नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आस्क अश्विनी जी में। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि हम हमारे प्रेडिक्शन सीरीज में टाइम ट्रैवल, समय यात्रा के जरिए प्रेडिक्शंस करते हैं। और फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने और मेरे सन देवांग ने अब तक समय यात्रा के जरिए जितनी भी प्रेडिक्शंस की हैं वो सभी शत प्रतिशत सच साबित हुई है। आप में से कई लोगों ने ये प्रतिक्रिया दी कि आप कुछ अच्छी खबर भी दें, अच्छी भविष्यवाणी भी करें। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि अक्सर न्यूज चैनल पे ज्यादातर जो खबरें आती हैं वो हादसों के बारे में या वारदातों के बारे में आती है, लेकिन मुझे आपको ये बताते हुए बहुत ही बेहद खुशी हो रही है कि इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही अच्छी खुशखबर, बहुत ही अच्छी भविष्यवाणी। आने वाले महीने फरवरी 2022 में ऐसी कौन सी अच्छी घटना घटने वाले हैं जो कि भारत के नागरिकों को खुशी दे? तो मैंने और मेरे सन देवांग ने जो समय यात्रा की, जैसे कि आपको मैं बता चुका हूं कि मैं अलग समय पे अलग जगह पे समय यात्रा करके ये देखने की कोशिश करता हूं कि आने वाले कुछ अंतराल में ऐसी कौन सी घटना घटने वाली है, और मेरा सन देवांग भी अलग समय पे अलग स्थल पे अलग जगह पे समय यात्रा करके देखता है कि कौन सी घटना घटने वाली है, और हम दोनों का जो समय यात्रा का जो आउटकम होता है उसको हम कंपेयर करते हैं, वेरीफाई करते हैं, ताकि तसल्ली हो जाए कि हमारी प्रेडिक्शन सही है, हमारी कोई गलती नहीं हुई है। तो क्या है भविष्यवाणी आने वाली फरवरी 2022 में, ऐसी कौन सी बड़ी खुशखबर आपको मिलने वाली है? तो मैं आपको बता दूं कि हमारे देश के साइंटिस्ट जो बहुत लंबे अरसे से किसी विषय पर रिसर्च कर रहे थे उसमें उन्हें बहुत बड़ी उपलब्धि मिलने वाली है। अब ये रिसर्च किसी बायोलॉजिकल फील्ड से जुड़ा हो सकता है, ये रिसर्च ऊर्जा या एटॉमिक फील्ड से जुड़ा हो सकता है, लेकिन कुल मिला के खबर ये है, अच्छी खबर ये है कि हमारे देश को हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा कोई बहुत बड़ी उपलब्धि होने वाली है, और इस उपलब्धि के चलते इंटरनेशनल फ्रंट पे भी हमारे देश को बहुत फायदा होने वाला है। हो सकता है कि इस उपलब्धि को लेके हमारे देश के करार एग्रीमेंट किसी और देश के साथ हो, लेकिन ये जो समय यात्रा का जो हमारा प्रेडिक्शन है उसके बारे में मैं चाहूँगा कि मेरा सन जो देवांग है, जो मैं बता चुका हूँ कि उनका जो समय यात्रा का जो प्रेडिक्शन होता है उसमें उनकी डिटेलिंग जो होती है बहुत गजब होती है, तो मैं चाहूँगा कि इसकी डिटेलिंग जो है इस भविष्यवाणी की, मैं चाहूँगा कि मेरा सन देवांग खुद आपको दें। आइए सुनते हैं खुद देवांग से कि इस भविष्यवाणी की डिटेलिंग क्या है। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रेडिक्शन है उसकी डिटेल्स कुछ इस प्रकार से है कि साइंस और टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर और एनर्जी के फील्ड में कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे देश के साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को प्राप्त हो सकती है। ये जो चीज़ है वो एक कप या बॉक्स में बहुत संभाल कर रखी गई हो, जो बहुत वैल्यूएबल है, ये कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, हो सकता है कि ये जो प्रीशियस जो चीज़ जो हमें मिलने वाली है वो एक हेरिटेज वैल्यू भी हमारे लिए रखता हो, और तख्त जो होता है, एक प्लेट और तख्त पे जो लिखावट होती है एक पुरानी लिपि में या साहित्य से जुड़ी हुई, लिटरेचर से जुड़ी हुई कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, वो भी हमें प्राप्त हो सकती है। ये जो होगा, ये जो घटनाएँ घटेंगी, ये हमारे देश के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए बहुत ही वैल्यूएबल है, और हमारे देश के लोगों के लिए ये बहुत ही खुशी और आनंद की बात है। तो मित्रों, कुल मिलाकर बात यह है कि हमारे देश के जो साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्चर्स हैं, जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और साइंस की अलग अलग जो विंग्स हैं, जो अलग अलग क्षेत्र हैं, उनसे जुड़ी हुई जो है कोई बहुत बड़ी उपलब्धि भी उन्हें मिलेगी। और ये भी हो सकता है कि ये जो हमारी उपलब्धि होगी इससे हमारे देश को इंटरनेशनल लेवल पे भी अच्छा और बहुत ही महत्वपूर्ण रिकग्निशन हमारे देश को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, आपने देवांग के मुंह से सुना कि इस भविष्यवाणी की डिटेलिंग क्या है। तो मुझे यकीन है कि आप हमारी भविष्यवाणियों को पसंद करते हैं, आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं। अगर पसंद करते हैं तो इसे लाइक जरूर करें, इसमें कमेंट भी जरूर करें, और यदि आप चाहते हैं कि हम किसी मुद्दे पर वीडियो बनाएं, जैसे आज अश्विनी जी सीरीज में हम क्वेश्चन सीरीज में आपके प्रश्न भी लेते हैं और आपके प्रश्नों के जवाब तर्कपूर्ण और वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है, आप पूछना चाहते हैं, जहां पर आप चाहते हैं कि हम आपको तर्कपूर्ण और वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित जवाब दें, तो आप जरूर हमें आपके सवाल भी भेजें। यदि आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले कुछ अंतराल में हम
बहुत कुछ बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां करने वाले हैं, तो मैं नहीं चाहता कि आप इस भविष्यवाणी को मिस करें। तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारे आने वाले हर प्रेडिक्शंस के बारे में जो वीडियो बनाने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया, धन्यवाद।